गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। आज है 18 नवंबर 2018 और आज आपकी यूपीटेट परीक्षा भी होने वाली है। आप लोग जानते होंगे और बहुत से लोग सेंटर पे पहुंच गए होंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और बेटर से बेटर करेंगे, ये पूरी कोशिश करिएगा। और दूसरा नंबर, हार मत मानिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना होगा ना। बिल्कुल हार नहीं मानना है, तेरे गिरने में हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत असीमित है, इसका कोई सार नहीं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई, धैर्य बना करके रखना है और सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। ये चंद पंक्ति आपके लिए। रख हौसला, व मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आपको हौसला बना के रखना है। आज हम देखेंगे 4 अंकों की संख्याओं का HCF, वो भी भाग विधि से। 3 अंक की संख्याओं का हमने पिछले भाग में देख लिया था, 4 अंक की संख्याओं का HCF आज देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 4, 12, 48 और 40 का HCF कितना होगा, आप लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे कई लोगों ने। जो लोगों ने नहीं किया जल्दी तुरंत कर दें। देखिए इसमें किया क्या जाता है बाबू। देखिए जो जो नंबर दिए इन्हें इधर हम लिख लेते हैं बाहर करके। तो ये है 4, 12 और 40 और 48। इनको हमने बढ़ते क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, जिसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करेंगे, कोई भी 2 संख्या चुन लीजिए, मान लेते हैं छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो ये बड़ा है 12, इसमें आप भाग कर दीजिए इधर साइड में, एकदम साइड में जाके ये। तो जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 और ये पूरी तरह कट गया, 0 से इसका आ गया। कहने का मतलब 4 से 12 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब आपकी जो 2 संख्याएं बच रही ना, उसमें से आपको 1 संख्या ले लेना है और फट से उसे भी भाग कर देना है। मतलब ये दोनों तो हो गई, अब इसको ले लेते हैं जिससे वो पूरी पूरी कटी है, उसी से इसको भी भाग करेंगे। तो 40 को भाग करेंगे फिर से 4 से, तो ये जाएगा 4 1 4, ये 0 आ गया, 1 और 0 उतार लिया 0, और इस तरह से ये भी क्या हो गया कंप्लीट, यानी 4 से ये भी कट गया, 3 संख्या क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, अगर 4 से सब कट रहा है ना, तो उसी 4 से यानी उसी संख्या से फिर इसमें भी भाग कर देंगे। अगर ये भी इससे कट जाती है, यानी कि 4 1 4 ये कंप्लीटली डिवाइड हो गई, यानी कि हमारा जो HCF आया बाबू कितना आया, 4 आया। यानी इसका HCF कितना आया, 4। कितना आया, 4 आया मासा, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, एक होता है लघुत्तम समापवर्त, जिसे लासा बोलते हैं, इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्त। तो देखिए जब 3 अंक होता है तो क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का देख लीजिए, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया हुआ था और आप लोगों ने देखा भी होगा। ये 4 अंक में एक और देख लेते हैं, चलिए 3 अंक वाला बाद में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर इसमें का सेकेंड, अगर हमने आपको दे दिया, ध्यान से देखिएगा फट से तुरंत। और सेकेंड क्वेश्चन 9, 12, 36 एंड 45, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 छोटी नंबर चुनते हैं। तो देखिए ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हमने पहले भाग दे दिया आपको, तो 9 से भाग करेंगे 12 में। आप जानते हैं कि 9 1 9 यानी कि 9 9 9, जब आपने इसको घटाया तो आया 3, 12 से 9 गया, कितना आया 3 आया। आप ध्यान दीजिएगा जो शेषफल 3 आया ना, उसी से फिर इस भाजक में भाग दे देते हैं 9 में, तो ये फिर 3 बार गया और 0 आ गया, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। कौन, 12, 2 बार में ना। अब जो तीसरा नंबर बचा है इसमें, थर्ड नंबर 36, उसको फिर उसी से भाग देंगे, किससे, 9 से नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 9 से कम्प्लीटली 12 डिवाइड नहीं हुआ था, लास्ट में जिससे डिवाइड हुआ ना उसी का माना जाता है। आप जानते होंगे हजारों लोग ट्राई करते हैं फिर पेपर में परीक्षा में, लेकिन क्वालिफाई उसी को माना जाता है जो लास्ट में क्या होता है, सारी कंडीशन को पूरा करता है, ठीक। देखिए फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 1 3 और ये घट गया, भाग करना तो आपको आता ही होगा, कुल मिला के ये कितना आ गया, 12 आ गया भागफल, तो 3 से भी कट गया। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये देखिए 3 1 3 और ये 3 5 15, इस तरह से इसको भाग देने 45 आया। अगर भाग नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के आप देखें तो 3 जो है सबको कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कर रहा है, फुली सेटिस्फाइड, यानी कि इसका HCF कितना होगा, फिर 3 होगा, 3 होगा HCF।
कहने का मतलब ये है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये चारों कट जाए वो क्या है, तीन है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे चारों कटे। देखिए अगर तीन से काटेंगे तो सब कट रहा है, चार से काटें तो 12 कटेगा, 36 कटेगा, बट 9 और 45 नहीं कटेगा, है ना। अगर 9 से काटें तो, 9 से काटें तो 36 कटेगा, 45 कटेगा, ये 9 भी कटेगा बट 12 नहीं कटेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि सभी नंबर कटने चाहिए। तो ये था इसका एचसीएफ, आपने देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, तुरंत, देर नहीं, तुरंत इसका आंसर कितना हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का कितना आएगा भाई, 36, 18 और 63 का आंसर कितना आएगा। देखिए नंबर आपके क्या क्या हैं, 18, 36 और 63। इसमें क्या करेंगे, तीन अंक का है ना बाबू, ये तीन पद है ना इसमें, तो क्या करेंगे, पहली छोटी गिनती से दूसरे वाली छोटी गिनती भाग करिए, मतलब आपकी दो गिनती लेकर के। तो जब आप इसे भाग करेंगे ना ये 36 में, तो आप जानते हैं सभी लोग को पढ़ा याद होगा, बचपन में याद किए थे ना, 18 दूना 36 यानी 18 2 जा 36 कंप्लीटली कट गया। कितना आया भागफल, क्वेश्चन कितना आया, 2 ना। अब 2 से क्या करेंगे, 63 यानी कि जो थर्ड नंबर बच रहा है उसको भी डिवाइड कर देंगे, किससे, उसी नंबर से जो बचा हुआ था। आप देखें तो 18 दूना 36 हो गया ना, क्लियर ना। तो भाग कर दीजिए फिर से 18 से, तो 18 54, 3 बार जाएगा ये, और एक हटाने पर कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया, 9 आएगा भाई, 9 आएगा ना। फिर क्या करेंगे, देखिए पूरी तरह नहीं कटा, अब 9 से भाग करेंगे किसमें, ये जो था 18 में, तो 9 दूना 18, देखिए कट गया ना। लास्ट टाइम जिससे कटा वही उत्तर होगा, 9 क्या होगा आंसर, यानी कि HCF इक्वल कितना, 9 आया। क्लियर ना, ये फंडा क्लियर है, आपने देखा होगा ना भाई, फंडा क्लियर है बिल्कुल, हो गया।